मुझे गणित नहीं आते बेटा, फिर भी मेरे प्यार में कोई कमी हो बेटा तो तुम जा सकते हो, मुझे माफ करो। नहीं माने अबे, ये अभी गणित की बात कर रही थी, हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कर रहे थे ऑडिशन देने के लिए, और इसका जीव था मच्छर में। जो कह रही थी मुझे गणित नहीं आता बेटा, लेकिन मेरे प्यार में कोई कमी रहेगी। माँ तुम्हें गणित नहीं आती, एक तो मैंने बहुत मुश्किल से उसको ये डायलॉग याद करवाया था कि मुझे गणित नहीं आती बेटा, लेकिन मैंने अपने प्यार में कभी कमी नहीं रखी। तुमने एक रोटी मांगी, मैंने हमेशा एक से ज्यादा दी है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि मेरी प्यार में कभी कोई कमी रह गई हो तो तुम जा सकते हो बेटा। ऐसा करके एक डायलॉग मैंने उसको इतनी मुश्किल से याद कराया था, उसमें मच्छर आ जाता था। एंड मॉम इज लाइक, मुझे गणित नहीं आती बेटा। लेकिन मच्छर की गिनती अच्छी तरीके से आती है। क्यों आते तो उड़ाड़ भड़ा को ना कर दो, बाप ना बोल दियो इन्हीं मने। एक तो उड़ाड़ मानी छे चालू कैमरा मां, एक अंजो ये कितना स्मार्ट आपने बोल दी, पूरा गायब थई गयो। बिकॉज उसको पता है कि अभी तुम शिकार पे निकली हो। मम्मा वो आसुरी तार, 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 तार। मेरे बच्चे को ये डसता तो उसको मलेरिया कर देता। मैं माँ हूँ, प्रोटेक्शन तो करूंगी, मैं युद्ध भी कर सकती हूँ। 50 क्या 25 लाख मच्छर मेरे सामने आया तो मैं उड़ा दूंगी यार। 25 लाख इतना ज्यादा नहीं होती है। जोश जोश में ज्यादा होता है ना, ऐसा नहीं होता। हमारा डायलॉग की ऐसी तैसी करना ही नहीं माने। मुझे गणित नहीं आती, मैं जितने तुम एक मच्छर बोलोगे मैं 10 मच्छर मारूंगी। यस बहुत खतरनाक छे दादी, तमने सु दादी वो भोड़ा लागे जे मच्छर जो भी मारियो ने। जो जो मनाडे देवी, हवे तो मुको मुको के मुकने के लिए मैंने नहीं पकड़ा है। ए नी माने, मां का नाका करी ना हुआ। आ तेरे हाथ में मच्छर। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हलिस नहीं तू, तेरी लैंग्वेज पेलो वाड़ो वीडियो कहतो हमारे घर में। एक तो मैं ओरिजिनल उसके ऑडिशन के लिए भी डायलॉग्स ओरिजिनल मैं लिखती हूँ। आई हैव टू कम, वो कहती है कि मुझे कुछ इम्पैक्ट। तुम राइटर किस काम के अगर मुझे ओरिजिनल डायलॉग लिख के ना दो, ऐसे तो इमोशनल ब्लैकमेल करती है मेरे को। अरे मैंने मत, ये जानकी ने मुझे ऐसा डायलॉग दिए, देखो मेरे सामने गए मच्छर। और उसके बाद आफ्टर आई गिव द डायलॉग, मैं उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ डायलॉग की, और ऑडिशन में एक मच्छर के कारण हमेशा रीटेक्स करवाती है ये। एक मिनट, वो डायलॉग था मेरे सामने कर दो। सबसे पहला डायलॉग कौन सा था इफ यू रिमेम्बर? हमारे घर में सबसे बढ़कर माँ है, और माँ से बढ़कर माँ से बोला हमारे घर में पहले मैं कहती हूँ, हमारे घर में सबसे बढ़कर माँ है, और माँ से भी बढ़कर मान है। परंपरा के विरुद्ध इस घर में ना किसी ने कुछ किया है और ना ही कभी करेंगे, इतना सा डायलॉग था। हमारे घर में सबसे ये डायलॉग सिखवाती है मेरे बॉलीवुड में। ऑडिशन देना है बराबर, मैंने ऐसे बोले ना डायलॉग, मैं परफेक्ट बोल गई। वो बोल गई लेकिन अभी बोलो, हमारे घर में सबसे बड़े बढ़कर एक मिनट, हमारे ऐसे चेहरे ऐसे दिखाना था, हमारे घर में सबसे बड़े नहीं मना बाड़ा देखा है जितने मन तक ले तो उसकी तरफ मत देखो, तुम कहीं और देख कर रहा इधर है। हमारे घर में सबसे बड़े बढ़कर माँ है, हमारे घर में सबसे बढ़कर माँ है, और माँ से बढ़कर मान है। इस घर में किसी की परंपरा परंपरा के विरुद्ध इस घर में ना किसी ने कुछ किया है ना ही कभी करेगा।
हमारे घर में परंपरा के विरुद्ध किसी ने नहीं किया है, नहीं करने देंगे, ना ही कुछ किया है ना करने देंगे। नो वरीज, टेक में ऑडिशन क्लिप में उसका बहुत अच्छा आया था। अभी उसका ध्यान मच्छर बाय द वे। आप ये बताइए कि ये मेरा डायलॉग कैसा लगा, मतलब ऐसे इंस्टेंट ऐसे लिख दिया था मैंने तो। उसने कहा कि एक सीरियस डायलॉग चाहिए ऑडिशन के लिए और एक एक थोड़ा इमोशनल डायलॉग चाहिए। तो पहला वाला डायलॉग मैंने ये किया था कि इस घर में सबसे बढ़कर माँ है और माँ से भी बढ़कर मान है। परंपरा के विरुद्ध इस घर में ना किसी ने कुछ किया है, ना ही कभी करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वाला डायलॉग ओरिजिनल वन जो मैंने उसको दिया था। सेकंड मैंने दिया था, हाँ मुझे गणित नहीं आती बेटा, फिर भी मैंने कभी प्यार में कमी नहीं रहने दी। तुमने एक रोटी मांगी, मैंने हमेशा दो दी है तुम्हें। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि मेरे प्यार में कहीं कुछ कमी रह गई हो तो तुम जा सकते हो बेटा। ये इमोशनल डायलॉग लिखा था मैंने। बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा ये डायलॉग, अच्छा लिखा या नहीं। और ये भी बताइए कि ऑडिशन क्लिप्स मॉम देती रहती है अलग अलग जगह पे, तो लेट मी नो अगर तुम्हें ऐसे सब BTS वीडियोस चाहिए उसके, बिकॉज उसके प्रिपरेशन में ना वो मेरे को बिहाइंड द सीन बहुत सारी प्रिपरेशन करवानी पड़ती है। ऐसे छोटे बच्चे को जैसे प्रिपरेशन करवानी पड़ती है ना वैसे, शी इज लाइक अ चाइल्ड टू मी। मेरा ऐसा पेरेंटिंग का ऑलरेडी हो चुका है, वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस, पेरेंटिंग प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है मम्मा से। मम्मा इज माई लाइक माई क्यूटेस्ट चाइल्ड। और उसमें भी इमेजिन, मैं एक तो आई एम ऑलरेडी, ऐसा नहीं है बट मैं ना सो ही नहीं हूँ कितने दिनों से। और उसमें उसने कहा मेरे को अर्जेंट चाहिए, तुम राइटर हो और मेरे को ओरिजिनल वीडियो लिख के नहीं दे सकती, मेरे को ये नहीं कर सकती। तो अच्छी बात है, पिक्चर में आने से पहले मैंने बेटी को जन्म दे दिया ना, मेरे को मैं कहाँ भेजा खाते, किसका खाता है ये, अच्छी बात। मैं किसका भेजा, मेरे को भेजा खाने के लिए पहले किया तुमने? नहीं 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 नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में मेरी बच्ची। नहीं नहीं नहीं, अभी ये ऐसा कह रही है, मेरे को एक दिन मैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अंदर डालूंगी। व्हाट्सएप पे क्या कहती है पता है, गेटू। तो पहुंच गई हो गेटू, मेरे को गेटू कहती। और एक बार आप यू कैन इवन ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट इट, अगर कभी हम तीनों, आप लोग और मैं और मम्मी साथ में, और चम्मच की बात करना कभी। चम्मच की बात आती है तो ये कहती ये है ना मेरी चमची, मेरी प्यारी चमची, मेरी चमचू। ऑडिशन मेरे पास है, मैं नहीं दूंगी। ना ना वो ना करता, अब बता साक्षी माँ से प्लीज आना, समझाओ मेरी बेटी को बहुत प्यारी है और मुझे ऑडिशन वीडियो दे। और आपको पता है ये पर्दे के पीछे की जो ताकत दिखाते हैं ना, आज मैं बॉम्बे से मेरे फोन आया कि पिक्चर में आपको लेना है तो जरा डायलॉग डिलीवरी का एक ऑडिशन दीजिए और क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, ये दोनों वीडियो मेरी जानकी है तो मैं कर पाती हूँ। अगर मुझे उसका सपोर्ट नहीं मिलता मैं कुछ नहीं कर सकती। हम मेरे ऑडिशन इंट्रो वीडियो का एक बताती हूँ, वो कहती है मेरा नाम है जस्सी गढ़वी, इतना तो बोलना था उसको, मेरा नाम है जस्सी गढ़वी, लोग मुझे प्यार से जस्सी दादी बुलाते हैं। तो उसके बदले जो मच्छर को मत देख तू, उसके फिर हाइट, मम्मा मच्छर, मम्मा मेरी तरफ ध्यान दो, मच्छर मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मत कहना तुम भी मेरा मच्छर ही हो। मच्छर जाने जो, ओह गॉड दिस गर्ल इज ऑब्सेस्ड विद मच्छर। आ बैठो यार, मम्मा बॉस यार, अबे यार जान दे। और हाइट इसकी कितनी बताई पता है इसने, मैं उसकी हाइट है 4'10" और वो क्लिप में बोल रहे और मेरी हाइट है 5'10" मेरी 5'3" मांड मांड है, वो भी 5'3" तो नहीं ही है, 5.25 है मेरी, वो भी पूरी नहीं है, और खुद की 5'10" मेरी हाइट दिखाओ, हाइट दिखाओ, खड़े हो देखो, ये इत्तू सी लड़की, इत्तू सी ये 5'10" 4'10" भी नहीं है तुम्हारी, 4'10" है, 4'10" एग्जैक्ट मैंने नापी थी बिकॉज ऑफ हर प्रोफाइल एंड ऑल। मैंने उन पर मन शर्म था माना वो चाहिए तो ना, जब से जानकी को मैंने जन्म दिया तब से मेरी हाइट घट गई है। तो इसमें इतना शर्मा क्यों रही है बेटी? शर्म तो है ना बाबा, अभी मच्छर दिखेगा। अब किसकी किसका पर्दा कर रही हो? तेरा, तू हाइट में बड़ी है नहीं, मेरी अगर तू बड़ी है। ओह माय गॉड, इतना मान कभी मुझे किसी ने नहीं दिया, ये इतना नाक बाहर क्यों निकाला है? सांस लेने के लिए बप्पा, और मच्छर देखने के लिए क्यों? मेरे दूध में पगना पड़ जाए, छबा छब हो जाएंगे। तो
दूध ऐसे नीचे क्यों रखा है? ज्यादा दूध है, गर्म करने से मलाई आती है, मलाई का पोपड़ा होता है, पोपड़ा फ्रिज में रखते है और अठवाड़ी मलाई का पोपड़ा हो जाता है ना, तो उसको छास ना के तो ये अठवाड़ी मैं उसको कुछ सिखाऊ मेरे जनंदन को ये कैसे करना है, जो दूध लो गरम करो ठर जाए पची बाद में उसको ए मच्छर अरे ने दे पची दूध को गरम करके मलाई बार के दूध मलाई में छास डालो, मेरण हो जाता है, एक दूसरे दिन ब्लेंडर फिरो। हाँ, सबको आता है छास को, मेरे को शिफा देना। मलाई को ब्लेंडर फिर के बर्फ का गंगड़ा डालो थोड़ा, और मलाई में मलाई का माखन बन जाता है और उससे घी बनता है। बोलो इतनी मेहनत छोकरी ने, मैं क्या कह रही थी, तुमने किस पाटे पे। हाँ तो ये एक हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा दूध? अच्छा, दूध ठंडा करने के लिए ऐसा रखा है। देखो जस्सी दादी घर में आके मच्छर भगाती है, मच्छर मारती है। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना हो एक्सपर्ट है ये, आई कैन टेल यू, एक मच्छर गुड नाइट से भी ज्यादा 100% रिजल्ट मिलेगा आपको जस्सी दादी से। देखो हाइट नहीं पहुंच रहे फिर भी लगन देखो उसकी। तो जिसको भी कांटेक्ट करना हो वो नीचे कमेंट कर सकता है, जस्सी दादी आपके घर पे आके सारे मच्छर मार के जाएंगी, सारे मच्छर भगा के जाएंगी। दी ओरिजिनल ह्यूमन मॉस्किटो रेपेलेंट दैट आई हैव इन माय हाउस। हेलो, आई ओरिजिनल मॉस्किटो रेपेलेंट। जिसको भी मच्छर भगाने हो वो कांटेक्ट करें, नीचे कमेंट्स करें। बाय बाय बाय। आप सबके देखने के लिए मैं वो ऑडिशन क्लिप भी इसके साथ अटैच कर रही हूँ जो हमने भेजी थी मुंबई। देखिए और बताइए कैसी लगी। बाय। हमारे घर में सबसे बढ़कर माँ है और माँ से बढ़कर मान है। इस घर में परंपरा के विरुद्ध कुछ न करेंगे न करने देंगे। मुझे गणित नहीं आती बेटा, पर मेरे प्यार में कभी कमी नहीं हुई। जब जब तुमने एक रोटी मांगी थी तो मुझे गिनती नहीं आती थी। अगर मेरे प्यार में आपको कमी लगी तो आप जा सकते हो। जय माता जी, मैं हूँ जस्सी गढ़वी और मुझे प्यार से सोशल मीडिया में जस्सी दादी कह के पुकारते हैं। और मैं गुजरात से हूँ और मेरी हाइट है 4'10" और ये मेरी प्रोफाइल है। और मैंने बॉलीवुड पिक्चर में काम किया सत्यप्रेम की कथा और गुजराती पिक्चर में क्या पिक्चरों में मैंने काम कर लिया है और वेब सीरीज एडवर्टाइज सब में मैंने वर्क किया है और ये मेरी प्रोफाइल है। ओके, जय माता जी।